अरे अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? उन्हें अगर पता चलेगा कि मेरे टेस्ट पेपर में इतने कम नंबर आए हैं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, ना उन्हें पता चलेगा और ना मुझे डांट पड़ेगी। हाँ अरे रिद्धि बेटा। हाँ बेटा, आज इतना लेट कैसे हो गया? अरे मम्मा, वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी ना, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। पर बेटा, अरे इसे क्या हो गया? अब मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ अरे रिद्धि बेटा। अब हाँ मम्मा। बेटा आज आपका टेस्ट पेपर आने वाला था ना? अरे मम्मा, आज नहीं आने वाला था। अच्छा, पर बताया तो आपने आज का ही था। अब मैं क्या करूं, मम्मा मुझे कुछ पूछे उससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आप चलो खाना खा लो। नहीं मम्मा, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। इसे क्या हो गया है? अरे रिद्धि बेटा। हाँ पापा। बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब पापा बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं जाती हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अरे इसे क्या हुआ? अरे करिश्मा। हाँ। क्या तुम्हें नहीं लगता आजकल रिद्धि कुछ चुपचाप रहने लगी है, हमसे कुछ छुपाने लगी है? हाँ सही कहा आपने, आजकल उससे कुछ भी पूछो तो वो कुछ बताती नहीं है, लगता है वो हमसे कुछ छुपाने लगी है। कहीं उसे स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे ये आप क्या कह रहे हो, मुझे तो टेंशन हो रही है। हाँ मुझे भी। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे रिद्धि। हाँ मैम। आप यहाँ क्यों बैठे हो? वो ऐसे ही। और आपने अपना टेस्ट पेपर अपने मम्मी पापा को दिखाया? अब नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। ये तो गलत बात है ना रिद्धि, आपको अपने टेस्ट पेपर अपने मम्मी पापा को दिखा देने चाहिए, इस तरह छुपाने से आपके नंबर बदल तो नहीं जाएंगे ना? बेटा अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और जो बच्चे छुपाते हैं ना उन्हें बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। बेटा अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और जो बच्चे छुपाते हैं ना उन्हें बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। मम्मा पापा, ओ मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। क्या बेटा? मम्मा वो मेरे साइंस के टेस्ट में सिर्फ 4 नंबर ही आए, और ये मैंने आप दोनों से छुपाया। ओ तो इसलिए आप इतने चुपचाप थे और हमसे डर कर टेस्ट पेपर छुपाया हुआ था? बेटा ऐसे चुप चुप रहने से या टेस्ट पेपर छिपाने से क्या हो जाएगा? हाँ नंबर चाहे 4 हो या 0, कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो ये नौबत कभी आएगी नहीं। छुपाने से अच्छा है कि अपने मम्मी पापा से सब सच बता दो। हाँ मम्मा आई एम सॉरी, मैं आगे से आप दोनों से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई भी करूंगी। ये हुई ना बात,